जब गाइस कैसे आप सभी लोग और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल तो कैस विलेज ब्लॉग्स। तो दोस्तों अभी आपने मेरे बालों की और हालत ख़राब देखी होगी क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ कोठारा। मैं कोठारा इस काम के लिए जा रहा हूँ क्योंकि ये इस दो फोन है और इसकी तो उनकी स्क्रीन ने तोड़ दी है इसके छोटे भाई ने, तो अभी इसको सही करवाने ले जा रहे हैं। और मेरे को भी एक दो काम है, मेरे मोबाइल पर आईफोन पर लेमिनेशन करवाना है, तो इस काम के लिए हम जा रहे हैं। तो चलिए हम पहुँचते हैं और मेरा रास्ता वराड़िया पहुँचे हैं। हम अभी आधा रास्ता हमने क्लियर कर लिया है और आधे रास्ते पर पहुँचे तब हमको याद पड़ा कि अभी व्लॉग शूट कर लेते हैं क्योंकि हम मेरा एक दिन से व्लॉग नहीं आया है, एक दिन हो गया मतलब व्लॉग नहीं आया ये, तो मैंने बोला चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया तो मेरे बाल तो देखिए कितने उड़ रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर सेफ्टी की भी बात कर ली है हमने। और अभी ऐसे जब बाइक पर हम चलते हैं तो गोरिल्ला चाहिए, गोरिल्ला ट्राइपॉड, तो अभी उसको भी मेरे को ऑर्डर करना है। ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तो स्लिपरी होकर गिर जाता है मोबाइल, तो कोई बात नहीं। अभी रास्ता क्लियर कर लिया है, अभी आधे से भी आधा क्लियर कर लिया है रास्ता। तो अभी मैं कोठारा पहुँच के वीडियो शूट करता हूँ। तो गाइस हम अभी निकल चुके हैं मतलब कोठारा पहुँच चुके हैं, तो उधर से रोड है कोठारा जाने का। तो हम जो स्ट्रीट रोड है नॉर्मल लोकल लोग यहाँ से जाते हैं मतलब, तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं क्योंकि अभी हम वहाँ पे पुलिस होगी, तो इसीलिए हम बीच वाले रास्ते से जा रहे हैं। डायरेक्ट कोठारा पावर हाउस पर निकलेंगे हम डायरेक्ट, तो इसीलिए हम ऐसी शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट बोल देते हैं कि हम कच्चीवाट से जा रहे हैं। तो यहाँ से उतरने का है तो इधर उतरेंगे और डायरेक्ट कोठारा पेट्रोलियम पर मतलब पेट्रोल पंप के बाजू में निकलेंगे हम। तो चलिए ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ पर, इधर से हम जाते हैं तो जब हमारा काम नॉर्मल यहाँ, तो अभी इधर की तरफ से आएगी हमारी रास्ता नीचे उतरने का और डायरेक्ट जाने का। पोल दिख रहा है वहाँ पर है, इधर ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है तो हो चुकी है जैसे कि आप देख सकते हैं हो रही। वो तो मुझे पक्का पता नहीं है कि ड्रैगन गाइज हमें ओ भाई इधर की हमें मिल चुकी है। हाँ ये गए हम उतर चुके हैं नीचे, तो इधर भूतिया जगह है बहुत ज़्यादा, हमें डर लोगों के यहाँ पर मतलब ओ भाई हाँ यहाँ पर रास्ता ही है मुझे पक्का पता है क्योंकि हम यहाँ पर गाइस अभी हम उधर से रास्ते से निकल कर देखा था, आपने बोला था मैंने कि बैठो भाई इधर नीचे जाना है बहुत। तो यहाँ पर डायरेक्ट इंडियन ऑयल के सामने हम निकले हैं, तो अभी हम कोठारा के अंदर हैं चलिए भाई इस समय। तो ये रही कुछ कोठारा की स्ट्रीट्स, दिखाता हूँ आपको बाद में, तो पहले हम उधर जाते हैं बाद में आपको दिखाता हूँ। ये रही कोठारा स्ट्रीट्स, तो इधर छोटी सी बाजार है मतलब अभी तो अच्छी है मतलब। तो ये रही यहाँ पर गाड़ियाँ हैं बहुत, तो ये रही कोठारा स्ट्रीट्स। ये देखिए पटाखे की दुकान, ये देखिए यहाँ पर फुल पब्लिक है। ये रही आप देख लीजिए, हाँ हमारे गांव के भी यहाँ पर रिक्शे चलते हैं, तो हमारे गांव वाले भी बहुत ज़्यादा इधर है। कोई नहीं हम चलते हैं, अच्छी स्ट्रीट है बहुत। गाइस आप देख लीजिए मेरे बाल सब बिखर गए, सो इधर धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी घर के अंदर, सो हम जा रहे हैं कोठारा अंदर। सो इधर ओ
ये देख लीजिए आप कुछ ऐसे कुछ सीन्स है। तो इधर ओ भाई उसने साउंड ऐसा किया मुझे भी डरा दिया उसने बोला है भाई। तो ये रही सामने दुकान, तो दुकान में मैं शूट नहीं करूँगा तो बाहर निकल के शूट करता हूँ। तो चलिए गाइस अभी हम यहाँ पर वापस आ चुके थे तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, हमारी हालत टाइट हो गई है। तो हुआ क्या, हम जैसे ही कोठारा के अंदर से निकले वहाँ से एक चाचा निकले और उन्होंने बोला कि मतलब हमारे गांव के थे तो उन्होंने बोला कि हमें भी ले चलो, उन्होंने बोला लिफ्ट दो तो हमने भी लिफ्ट दे दी। तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे गाँव के थे और हमारे पापा के दोस्त थे तो चलिए। तो इसीलिए मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। अभी मैं जा रहे हैं वाड़े पर, हमारे मतलब वाड़े पर फार्म हाउस पे जा रहे हैं। तो हम फार्म हाउस पे जाके और स्पाई की कार लेनी है और यहाँ पे वापस घर आना है। तो हम कार लेने जा रहे हैं तो पहुँच के आपको बताता हूँ। सो गाइस आज मैं वीडियो शूट किया था और आपको कोठारा की स्ट्रीट्स दिखाई थी। तो अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, टेल देन बाय बाय।